अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें। और सबसे पहली बात, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आसानी पहुँच सकें। तो आज की जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल कुछ इस तरह से है, टॉप 10 ओल्डेस्ट ट्रैम सिस्टम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑपरेशनल ट्रैम सिस्टम। यानी कि दुनिया में जितनी भी सड़क पर चलने वाली जो ट्रेन्स हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उस पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, जो पुराने तरीन है, यानी कि ओल्डेस्ट जो ट्रैम सिस्टम है, ऑपरेशनल है, जो अभी तक चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अच्छी बात ये भी है जो हमारे मुल्क में हमारे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने भी एक अनाउंसमेंट की है कि लाहौर में ट्रैम ट्रेन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। उसके लिए रूट वगैरह भी तय कर लिए गए हैं और मैपिंग वगैरह भी हो चुकी है, उसको लॉन्च करना है, अब देखते हैं कब होता है। ये भी एक अच्छी बात है। तो आइए ज़रा चलते हैं, देखते हैं वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्रैम सिस्टम। डिस्क्लेमर, टॉप 10 ओल्डेस्ट ऑपरेशनल ट्रैम सिस्टम इन द वर्ल्ड। नॉलेज 2.0। अच्छा जी, क्या है? टूरिन ट्रैम इटली। ये है जी सिस्टम, लेंथ 88 किलोमीटर्स, फर्स्ट सर्विस 1871, यानी कि 153 साल पहले जो है वो इलेक्ट्रिक है। इस कंट्री का नाम नहीं लिखा इन्होंने। सिस्टम लेंथ 137 किलोमीटर, नंबर ऑफ स्टेशन, फर्स्ट सर्विस 153 ईयर्स अगो। डिफरेंट कंट्रीज की लैंग्वेजेस में उन्होंने उसके नाम लिखे हैं। लेकिन ये देखो ट्रैम सिस्टम बाहर की कंट्रीज के किस तरह से है, कितने खूबसूरत, मतलब उनके बने हुए हैं केबन देखें, किस तरह साफ सुथरी लग्जरी ट्रेन की तरह ये सिस्टम है। अच्छा जी, नंबर 9 पे ये आता है, नंबर ऑफ स्टेशन 147, सिस्टम लेंथ 70 किलोमीटर, फर्स्ट सर्विस 1869 में, यानी कि 155 साल पहले ये ट्रेन सिस्टम, लेकिन उन्होंने देखो अपग्रेड किया है साथ ये जर्मनी के है। सिस्टम लेंथ 140 किलोमीटर, नंबर ऑफ स्टेशन 291। और ये इतनी अच्छी लगती हैं रोड्स के ऊपर चलती हुई, मतलब एक एसी लगे हुए होते हैं आपको स्टेशन, जैसे लाइक मेट्रो है इस तरह ये चल रही होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है। नंबर 7 पे ये वाला कंट्री है, सिस्टम लेंथ 174 किलोमीटर, नंबर ऑफ स्टेशन 630 स्टॉप्स, काफ़ी लंबी है। और ये 150 years ago ये चलाई गई थी, ये भी इलेक्ट्रिक है, टोटली इलेक्ट्रिक सिस्टम है। सिस्टम लेंथ 178.8 किलोमीटर, कितनी प्यारी ट्रेन है। चलते हुए अच्छी लगे, ये ट्रेन के नेम्स लिखे हुए हैं। सो अच्छा, छोटी सी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ी सी गलतियां भी हैं जिन्होंने बनाई है। उसमें ये मिस्टेक की है उन्होंने कि उन्होंने कंट्रीज के नेम नहीं मेंशन किए, जिसकी वजह से हमें भी दुश्वारी हो रही थी। तो जो ट्रेन के नाम आ रहे थे उन्होंने उनके कंट्रीज की लैंग्वेजेस में ट्रेन के नेम लिखे, तो वो पढ़ने में भी मुश्किल हो रही थी। और मतलब ओवरऑल उन्होंने बनाई अच्छी वीडियो है, देखने में भी ट्रेन जो थी उन्होंने अच्छी प्रेजेंटेशन की है उसकी, लेकिन मुश्किल हमारे लिए होगी कि उसको पढ़ना उस कंट्री की लैंग्वेज में, वो हमसे नहीं हुआ। उसके लिए आप लोगों से भी सॉरी, नहीं उस तरह से हम लोग कर पाए इस तरह सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। सो उम्मीद करेंगे हम लोग भी कि पाकिस्तान में जो ट्रैम सिस्टम आ रहा है वो बेहतर से बेहतर और अपग्रेड टेक्नोलॉजी से लेस हो, ताकि वो आम नास के लिए सहूलत का बायस बने। सो
ये थी आज की शॉर्ट सी रिएक्शन वीडियो, होप आप लोगों को अच्छी लगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे मजीद हमारी वीडियोस भी अपलोड हैं रिएक्शन की, वो भी देख सकते हैं, और सब्सक्राइब करके मजीद आने वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा आप अपनी ओपिनियन भी दीजिए जिस वीडियो पर आप रिएक्शन देखना चाहते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उन टीम से रابطہ करके हम उनसे वीडियोज़ की परमिशन ले लें और फिर उसके बाद हम रिएक्शन वीडियो बनाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।